हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए भैया, आज हरिओम म्यूजिक के तरफ से हम भोजपुरी गायक कलाकार योगेश कुमार अकेला जौनपुर के पावन धरती से केराकर जौनपुर पतौरा के प्रांगण से आज आप सबके बीच में एक सामाजिक चित्रण सत्य कथा जोगी बाबूजी आप लोगों के सामने भेज रहा हूं। यह सभी के मांग पे जो कि काफी लोगों ने हमें उत्साहित किया कि बाबू अकेला जी यह भी राह छोड़िए और मैं आज मुझे मौका मिला हरियो म्यूजिक की तरफ से कि आप लोगों के बीच में विराह गाने का अवसर मिला है। इसके प्रोपराइटर आदरणीय हमारे परम गुरु श्री सिंहासन विश्वकर्मा गाजीपुर की धरती से मैं गुरु जी के चरणों में कोट कोट सत सत नमन करता हूं और हारमोनियम पे बैठे आप बड़े भाई मंगल जी, नाल पे बैठे हुए आप भाई साधु यादव जी, कोरस पे लाल बहादुर यादव जी, राइट उनके साथ में बैठे मुन्ना लाल यादव जी, भगेलू राम भाई साहब, साथ में नागेंद्र कुमार जी, इनके साथ में हमारे परम आदरणीय मार्गदर्शक आप बड़े भाई नंदलाल जी, मैं सभी के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूं। आमे मास्टर जी एको छोड़कर विराह सुनाओ थे आप लोगों के बीच में। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि ये जरूर आप लोगों को पसंद आएगा और ए बचवा के प्यार दुलार आशीर्वाद जोन मंच पे देहिला वही कैसेट में भी देव। अरे माया से ममता बसी है दिलों में, माया ने मानो को पागल बनाया, जो माया हटाया वो पाया हरि को, वो काया को काशी से पावन बनाया, माया तजे भर थरी जोग पाए, अरे गए राज को छोड़ इतिहास गाता, कलयुग में माया तजे है सुदामा, योगी बने तोड़ अपनों से नाता। ए बाबू, आज तक आप लोग विराह सुने होंगे लेकिन मैं अपनी गीत के माध्यम से और कवि जी की लेखनी के माध्यम से मैं आप लोगों को यह सच्ची घटना दिखाना चाहता हूं। यह आप सुनेंगे नहीं देखेंगे, देखें कहीं दूर के कहानी ना बाम, इसी हमारे उत्तर प्रदेश गोंडा जिला बहराइच की कहानी है, वही के रहे वाला एक छोटा सा गरीब परिवार की कहानी है। मास्टर एक लाइन गजल लग गई। बे इरादा नजर मिल गई तो
लेकिन कबीर जी अपनी कलम से क्या लिख रहे हैं विरह में, क्या कि सुख सुमन का समेटा हिया में, सुख सुमन का समेटा हिया में, बेखबर बागवा सो रहा है। सुख सुमन का समेटा हिया में, बेखबर बागवा सो रहा है, रो रही बाग है मेरे मालिक, रो रही बाग ऐ मेरे दाता, मेरे किस्मत में क्या हो रहा है। रो रही बाग ऐ मेरे लेकिन कवि जी की लेखनी क्या कह रहे हैं साथियों, रो रही बाग ऐ मेरे दाता, मेरे किस्मत में क्या हो रहा है। साथियों ये धरती पे जे आयल ओके जाए के बाद, लेकिन इसी धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं कि माया के दुनिया में आकर के सब कुछ भूल जाते हैं साथियों, लेकिन ये उस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं जो कि अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके बैराग ले लेता है। कह नाम है शहर के माध्यम से सही परिवार में एक लौता संतान रहे, माता पार्वती पिता राम ध्यान रहे, पत्नी श्याम जस ससुराल नहीं आई थी, इधर योगी कसनक सुदामा को छाई थी, माता पिता से चोर गोरखपुर में आए हैं, नारद योगी को अपना गुरुवर वो बनाए हैं, गुरु आदेश पाके सरंग को उठाए हैं, माँ से भी छलने तब वे महल आए हैं, माँ से भी ए बाबू सुदामा सब कुछ राजपाट छोड़ करके चले जाते हैं जा करके गोरखपुर में जोगियों के मठ पे, गुरु नारद जी को अपना गुरु बनाते हैं साथियों। वही घड़ी जौनी समय नारद गुरु से मुलाकात भइल, गुरु जी आदेश देलन कि बेटा अरे तुम तो सब कुछ छोड़ करके चले आए हो, लेकिन एक गौर करो, यह जोग तुम्हारा तब पूर्ण होगा कि जब जाकर के अपने घर से अपने लोगों का भिक्षा लेकर के आओगे। वही समय जोगी बाबा सुदामा जोन हो जोगी के रूप में चलल हन, तो कैसे चलना है सुरठी गीत लगल मास्टर साहब।
देखें कभी ही अपनी कलम से लिखत हन जौनी समय उ जोगी बाबा सुदामा अपने गांव के तरफ बढ़ल हुन ओ घरी होता हो का भीड़िया लगाला रहली रोवे नारा नारी आय हो रोवे नारा नारी आहो भीड़िया लगाला रहली रोवे नारा नारी आय हो रोवे नारा नारी आहो देख जोगिया के आके पार न हो रहा आहो बाबूजी के लाश आंसू तावल बादुआरा आयो तावल बादुआरा आहो माई रो मैयारा के पार न हो रहा किया हो ए बाबू उस सुदामा जोगी सरंगी बजावत का टेरत के गावत का गांव के तरफ बढ़ल हमन देखत हमन की गौआ से आदमी का आवागमन लगल बा जब गौआ के किनरवा पहुंचल हमन तो जो जोगी बाबा सवाल करत हन कि आखिरकार बात का बा भैया कि गौआ से हम बहरमारा ली है ए गौआ में जब आईली तो देखत ला आदमी का तमाम आवागमन लगल बा आखिरकार का भैया लोग बतावत हन कि ए बाबा आखिरकार तोहरा से का बतावल जान रामधन नाम का आदमी रहलन उनकर बेटा सारा कुछ छोड़ करके जाकर के जोगी बन गयलन वो बेटवा के वियोग में ए बाबा उ बाबू रामधन आज अपने प्राण के त्याग देले हुआन बेटवा के गम के बर्दाश्त ना कर पौले ए बाबा जोनी समय बतिया के बाबा सो जोगी जी सुन ले हुआन जा करके दरवाजे पे पहुंचल हुआन तो उ देखत का हुआन यहाँ गीत लगे मास्टर देखा जोनी समय छठ का पूजा आवेला वो समय ये छठ के पूजा के अवसर पे माता बहन लोग ये गीत के बड़े प्यार से गावली कैसे गावली मास्टर अरे हरियारी बसी के बहंगिया बहंगी लचकाती जाए बहंगी लचकाती जाए लेकिन कवि जी अपनी कलम से विरहा में लिखत हन ओ समय के बाद बाबूजी जौनी समय जोगी सुदामा पहुंचल हन अपने दरवाजे पर ओ दरवाजे का सीन दे करके लोग कहत हन का कहलन कि अरे तेरा सरंगी आ दुवरवा ओ तेरा सरंगी आ दुवरवा देहलायल खै जगाए दे दमाई भी इच्छा
जोगी दुअरे गई लया, जोगी दुअरे गई लया। ए बाबू उ जोगी सुदामा माई से देखत हमन कि बाबूजी के लाश दरवाजे पे सुतावल हो, लोगन के भीड़ लगल बा ए भैया, लेकिन बाबू के ना देखत हमन। माई से कहतन कि माई हमके भिक्षा दे दा माई, लेकिन माई बाबू रोवत हिन बतावत हिन का कहली, चिन्ही गईली माई देखत लाल के चेहरावा, चिन्ही गईली भैलिया कवारी तू तो हमारो दुलरावा, सगरो सुख गईला छाय, सगरो सुख गईला छाय। ए बाबू जौनी समय उस सुदामा जोगी दरवाजे पे अले माई से भिक्षा मांगत हमन, माई कहलस कि अरे बेटा तू आखिरकार हमके छोड़ के चल गईला, हे बाबू देखा तोहरे वियोग में अपन जान दे देले, ए बेटा बाबू के अंतिम दाह संस्कार कैसे के करी, लेकिन वो एक भी ना सुनले जोगी सुदामा। माई से कहते हैं कि अरे माई हम माया के दुनिया में ना पड़ल चाहत है, हम तो माया मुक्त है गली, भगवान की शरण में जाकर के वह पिता परमेश्वर के शरण में जाकर के अपने आप की समर्पित कर दे ले हिला माई। लेकिन माई की एगो बात बताओ तो हम गीत लग गए मास्टर साहब, अरे गहरिया बतवले जा, ओ डहरिया बतवले जा, गुरु हमारी भुलली हो जा, हरिया बतवले जा गुरु हम, ए बाबुल लेकिन कवि जी अपनी कलम से लिखत हुन का लिखल विराह में, अरे विधि के विधानवा हो, विधि के विधानवा हो, अरे विधि के विधानवा कैसे मिटाई माई, विधि के विधानवा कैसे मिटाई माई।
लिखल नसीबावा में जोग हम रमवली माई। गुरु के आदेश पाई बिछब दैली माई। कर्म में लिखाला कावा जानेला जहानावा कैसे मिटाई माई विधि के विधानावा। कैसे ए बाबू उजोगी सुदामा मतारी के समझावत हूँ कि माई यह माया दुनिया से हमसे ना मतलब बा, लेकिन वही लाइन में बताओ धन का कहला बिगड़ल समैया माई रोवे फारहिया राके रो या माई। हली दुलारावा के अंतिम संस्कार कैली पति के माया नावा। अंतिम संस्कार कैली पति के माया नावा कैसे मिटाई माई विधि के विधानावा। कैसे मिटाई माई ए बाबू माई के समझावत हूँ कि मतारिन जौन विधि के विधान में लिखल हो उहे होई। आखिरकार माई के एक बात ना मनल उस सुदामा बाबूजी के लाश छोड़ करके बाबूजी नहीं मानता है वह सुदामा साड़ी के आंचल को फाड़ करके बाबूजी देती है और वह जोगी सुदामा लेकर के चलते हैं तो होता क्या है। यहाँ गीत लगल देखें ओ समय के गीत बाम जौने समय माई समझावत है लेकिन वो बेटवा नहीं मानता। बेटवा उल्टे बतावता वो जोगी सुदामा बतावत हुन। आखिरकार माई ना मनलस फिर माई बतावत है का कहलस काहे बदे तना ये तराई रे सुगियन आज तुर गरट सा कुटाई रे सुगियन। लेकिन कवि जी अपनी कलम से विरह में लिखत हमन का लिखल है कवन नई भेसवा बनाई रे बचवा। कवन नई भेसवा बनाई रे बचवा माई के काहे बिसराइए बचवा। मतारी कहत है बेटा आखिरकार काहे के विसार लेला हमनी के। आज देखा बाबूजी के का हाल भइल बा बतावत है मतारी।
तोहरे बीरह में बाबू दे दिहल जनवा। कोई गईली माटी मोर सागरो सपनावा। माई पर गिरल बाबा जरावाए पचवा। माई पर गिरल बाबा जरावाए पचवा। दागी लगावा जिनिया चरावाए पचवा। देखे ये बाबू जौनी समय उजोगी सुदामा एक ना सुन ले आखिरकार माई पस्त होकर के बाबूजी भिक्षा को देती है आंचल को फाड़ करके देती है। हम वो जोगी सुदामा लेकर के चलते हैं यहाँ गीत लगल का देखें भैया आषाढ़ के महीना में जौनी समय मलाह भाई लोग नाव के खोले जाले भोर के टाइम में ओ समय गावेलन मुन्ना भैया तोरे मन वाली गीत लग गई। जिंदगी में कई गीत गावेलन ओ समय गावेलन कैसे कि अरे सुतल माई गंगिया अजगावे भैया मला सुनाए लेकिन कवि जी अपनी कलम से लिखत हुआ कहा लिखल ओ समय जोगी सुदामा केहू का नाम मानत हुआ मतारी बताओ थी क्या कहले कि बदली दा भेसावा कर अंतिम संस करावा सुनाए हो सुना हो पाचवा हमरो उजरल से नुरावा सुना हो पाचवा हमरो उजरल ए बाबू लेकिन उजोगी सुदामा ना मानत हूं कहत हूं का बाबू जी के लसिया सुतावल बा दुअरावा सुनाए पाचवा हो सुनाए पाचवा तो छवल सगम काया नहरावा सुना हो पाचवा ए बाबू ना मानत हूं जोगी सुदामा लेकिन कहे के पड़ल तेरी में का ये जमाने से माई बुढ़िया बतावत है का कहली
चमनवा सुन कैला बचवा हो चमनवा सुन कैला हो चमनवा सुन कैला बचवा तबी रही बनी मतारी बलते ला नायन वायर नायन वायर नायन चमनवा सुना कैला बचवा बिरही बनी मतारी बरसे ला नयनवा चमनवा सुना कैला बचवा। ए बाबू आखिरकार जोगी सुदामा माई से भिक्षा लेकर के चलल हवन कैसे चलना चौक में कहना मैं कमनी कारण जोगी भैला कमनी कारण जोगी भैला माटी कैला मर सिंगार ए बाबू भिक्षा लेकर के जो है वो जोगी सुदामा ससुराल पहुंचा है जिसको मैं बताया पहले साथियों कि श्यामा और सुदामा की शादी हुई थी। एक ही बार मात्र ससुराल में आई थी, दोबारा नहीं आई। समय बीता और वह जोगी बन जाते हैं सुदामा जोगी। और सुदामा जोगी जब जोगी बन करके वो ससुराल में पहुंचे हैं अलख जगाए है तो घर में। ए बाबू जब इतनी बतिया सुन लें दुल्हन सुन ले हैं सुदामा श्यामा वो श्यामा सुनती है बाहर आती है आने के बाद देखती है पति के सूरत को निहारती है अब आके रह जाती है। आखिरकार का कैला बताओगे पड़ल मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लग गए कि गवना कराई रसैया गवना गतर गतर में उठेला दरदिया रे हमारो लेकिन कवि जी अपनी कलम से लिखत हो बिरहा में का लिखले कि लहरती चमाना कवनी करना स्वामी जो गवारा मावला
नमन कर नारायण स्वामी, नमन कर नारायण श्यामा पत्नी बतावा देखा का हो कि मैं से का सुरवा हो भैले, कि बाबूजी जा हरवा हो भैले, हमारी सुरतिया नहीं, कि हमारी सुरतिया नहीं, अरे रौरा के भावला कवन कर नवाय स्वामी, कवन कर नवाय स्वामी जोगवारा मावेला, कवन कर नवाय स्वामी जोगवारा ए बाबू। उस सुदामा जोगी से श्यामा बोलत थे कि आखिरकार स्वामी जी, अरे हमसे कोनो गलती भइल कि बाबूजी से कोनो गलती भइल, आखिरकार इकाव हो गयल कि काहे के जोगी बन गिला, हमारी जवानी पे ना ध्यान देला, अरे बाबूजी के बुढ़ौती पे ना ध्यान देला, माई के ममता पे ना ध्यान देला, आखिरकार कवन गलती भइल। लेकिन वो सुदामा जोगी अपनी पत्नी से बतावत होन का कहल है पापट में कहे के पड़ल का, अरे लिखल बिधका नहीं में तनहारी प्यारी दुनिया में, अवन की लीला ना जाने नर नारी प्यारी दुनिया में, ममता तोड़ली ना पूजवली असिया हो, आ छोड़ के दुअरे अइली देखा बाबूजी के लसिया हो, हरी के इच्छा कैसे हम तारी प्यारी दुनिया में, अमाया रचल मानव पर बारी प्यारी दुनिया में। ए बाबू जोगी सुदामा बतावत हुआन कि देखा बाबूजी के दरवाजे पे सुतावल लाश ना छोड़ करके अली और माई के ममता के तोड़ देली, तो तोहरा में काबा आज हमके तू भिक्षा दे दा, हम चली अपन जोग रंग माई। लेकिन उपत्नी श्यामा बताती है बाबूजी एक भी जोगी नहीं सुनता है, आखिरकार होता क्या उस लाइन में कहना है। इतना सुनत प्यारी छोड़ली संसार हो, अगरल पिजरवा सुगन होई गई ले फरार हो, अरे मचल गांव में हाकार भारी प्यारी दुनिया में, अब बिलखे लोगवा रो वही अरे भारी प्यारी दुनिया में, ए बाबू जौनी समय जोगी सुदामा एक भी ना श्यामा का सुनत हमन, अरे बाबू श्यामा ए बतिया के ना बर्दाश्त के पौली, आखिरकार वो भी हार्ट अटैक होता है बाबूजी,
इस दुनिया से वो भी चल पड़ती है। जौनी समय धरती पे गिरल बाम कोहराम मच गल पूरे गुआ में। माई बाबू दौड़ल आवत बिटिया के उठौल कि आखिरकार बिटिया का कह दिलू। श्यामा के माई बाबू और जमाने से लोग बतावत हूं वो परवरदिगार परम पिता परमात्मा से कहते हूं कि हे प्रभु तेरी किस्मत में क्या लिखा है कोई दुनिया जान ना पाया। होता क्या है कि हरे विधाता तोहरो अरे गजब के कृतिया बाबू कैसे आप पूरा हो जगवा हो हमार में माई बाबू श्यामा सुन कैल बगिया बेटी आखिरी समय तुलू मामा तुके कांच कांच बासा के डोलिया सजवले बाबू ऊपर से डाल चल ललक हो ए बाबू जौनी समय उजोगी सुदामा के देखले हुन पूरा जनता पागल से हो गए कि आखिरकार लगता है जोगी कुछ कर दिया बेटी को। जौनी समय माई बाबू देखले पहचान तक गई कि यही है सुदामा हुन यही सुदामा से अपने बेटी के शादी कैले है। आखिरकार लोग जवन हो उस बेटी के वियोग में वो जोगी सुदामा के मार के भगा देते हूँ। जोगी सुदामा गांव से बाहर तो हो जाते हैं बाबू लेकिन एक जगह बैठ करके पेड़ के नीचे आखिरकार अपने मन में सोचते हूँ कि आखिरकार हे भगवान हमार जोग लगत है कि पूर्ण ना हो पाई। माई से तो भिक्षा के उतरे ले ले ली लेकिन पत्नी से भिक्षा तो रह गई। आज पत्नी के भी साथ छूट गई। जब तक पत्नी के हाथ से भिक्षा ना मिली तब तक हमार जोग पूर्ण ना हो मोर भैया। ओ समय जोगी बाबा कहने का वही लाइन में कहना ए बाबू आगे आगे अर्थी को सजा करके चलते हैं लेकर के लोग पीछे पीछे छुप करके वह जोगी सुदामा चलता है। कैसे चला पीछे पीछे जोगी पहुंचे गंगा के किनारवा बाबू श्याम बिटिया के कैले अंतिम संस्कार बुझली अगिनिया में झांके लजोगिया बाबू पावल कफनवा एक जरल हो पीना ए बाबू जौनी समय उजोगी सुदामा शमशान घाट पे पहुंचल हुआ जहां श्यामा का दाह संस्कार भयल हो। देखत हमन कि चिता जल रही है वही बगल में बैठ के ताक रहे हैं कि आखिरकार क्यों ना इसमें देखे आखिरकार हो सकता है कुछ मुझे मिल जाए। अगर उसके हाथ का कुछ मिल जाता है तो मेरा जोग पूर्ण हो जाएगा।
बाबूजी जौनी समय उ सारा आई लहल जे लोग लसिया के जरावे खातिर उस लसिया के जला के जब चलल हम लोग जा करके जोगी बाबा उस सुदामा जी वही रखिया के टालत हुवन अगल बगल देखत हुवन वही बगलिये में एक छोटा सा कफन का टुकड़ा बाबूजी जला हुआ मिलता है। उसको उठाते हैं जोगी बाबा और लेकर के चलते हैं। कहना है खड़ी मेरी अरे दान सब रूप का भरवा उठवल जोगिया ते अपने गुरुवर के दसवा निभवल जोगिया ए बाबू उसी चिता में जलती हुई चिता से एक कफन का टुकड़ा पाता है जोगी बाबा लेकर के चले हैं गोरखपुर में। हुआ क्या माई के यहाँ चल कफन नार ले गुरु पास में आए और सारी घटना जोगी अपने गुरुवर को बताए। अरे अनमोल शीर्ष गुरु से पवल जोगिया तो अपने गुरुवर कैद सवा निभवल जोगिया। ए बाबू ले जाकर के वह नारी का जला हुआ कफन का टुकड़ा माई के आंचल ले जाकर के गुरु के शरण में रख दिया। गुरुजी तो सारी बात जानते थे ही बाबूजी अंतर्यामी गुरुजी थे। गुरुजी प्रसन्न होकर के उसके भक्ति पर करते हैं क्या जोग भक्ति में पास हुए साथ है जगदीश गोरखपुर के बने हैं बाबा आज मठाधीश तज कर माया हर के पवल जोगिया ते अपने गुरुवर का दसवा निभवल जोगिया। ए बाबू प्रमाण मिला कि आज भी वह गोरखपुर में जो है सुदामा जोगी को मठाधीश बना करके रखा गया है और वही नारद गुरु का स्थान पाए हैं। कहना में क्या आखिरी में गुरु गणेश गुरु रामलाल धन हरि की माया विमल चंद्र का कवि कैसो सिंहासन पर डाले छाया। चमनवा सुन कैला बचवा सिंहासन योगेश कुमार के नया नया तारनवा चमनवा सुन कैला बचवा